खबर जनपद नैनीताल के कालाढूंगी से है, जहां एक पिता को अपनी बेटी के इलाज के लिए 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरअसल यह मामला कोटाबाग विकास खंड के अंतर्गत जलना गांव का है, जहां वीर सिंह रावत को अपनी बेटी ज्योति रावत के पैर में गहरी चोट लगने के बाद उसे अस्पताल तक लाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। आपको बता दें कि देवीपुरा सौड मोटर मार्ग बंद होने के कारण वीर सिंह रावत अपनी पुत्री को 22 किलोमीटर पैदल पीठ पर रहकर कोटाबाग लाए। वहीं अधिशासी अभियंता फरहान खान से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि यह रोड पिछले 18 दिनों से बंद है। साथ ही देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग में सिमल खेत के समीप पहाड़ से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इस वजह से रोड खोलने में दिक्कत आ रही है। पिछले कई दिनों से विभाग लगातार प्रयासरत है, एक दो दिन के भीतर 2 JCB एक साथ भेजकर रोड को खोल दिया जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट।